हेलो दोस्तों, मैं लेके आई हूँ अपना एक और नया वीडियो। आज मैं डालना बताऊंगी आपको हरी मिर्ची और नींबू का अचार। साथ ही साथ सुबह सुबह मेरा कुछ और भी काम करूँगी, तो देखिए मेरी अचार की रेसिपी। मैं बना रही हूँ अचार नींबू का, हरी मिर्ची का। ये नींबू और हरी मिर्ची मैंने काट ली है, तो मैं ये अचार डाल के बताऊँगी। तो मैंने सोचा कि मैं सुबह सुबह ये अचार डाल लेती हूँ, क्योंकि एक काम कम हो जाएगा। ये मिर्ची कट कर रही हूँ। चार टुकड़े बनाइए नींबू पे, दो भी बना सकते हो, चार भी बना सकते हो। घर वाले अचार में नमक कम होता है, तो घर का अचार बनाओ बहुत अच्छा होता है। मेरे घर में बिना अचार के कोई काम नहीं चलता, तो मैं नींबू और हरी मिर्ची का अचार एनी टाइम रखती हूँ। तो मैं साथ में साथ या सीरियल देख रही थी, साथ में कट कर रही थी, एक साथ में दो काम। अब मैं किचन में झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है कुछ। तो अब मैं किचन में झाड़ू लगा रही हूँ। मैंने नींबू और हरी मिर्ची कट करके रख दिए हैं, तो मैंने सोचा एक बार मैं झाड़ू निकाल देती हूँ, बाद में मैं अचार डालूँगी। तो ये है मेरा सुबह सुबह का झाड़ू, तो ऑलमोस्ट सभी हैं, तो मैं निकाल रही हूँ झाड़ू। बीच बीच में कोई इधर उधर खराब होता है तो उधर भी लगा देती हूँ। मेरा कोई टाइम नहीं है, जहाँ क्लीन कर दिया। तो ये मैं क्लीन कर रही हूँ, झाड़ू दे रही हूँ, तो मेरा कोई क्लीनिंग का अलग रूटीन नहीं है। मैं साथ ही साथ जहाँ गंदा दिखा उसको क्लीन कर दिया, क्योंकि मेरा शॉप है, मेरे को 10:30 शॉप जाना पड़ता है, और संडे को मैं फ्री होती हूँ। संडे को घर का काम बहुत सारा, कभी कभी राशन लाना, कभी कोई आयरन करना, और घर को थोड़ा बहुत और निकल ही जाता है काम। तो संडे को तो वो इतने ही काम होते हैं, मेरे को सफाई करने को टाइम नहीं रहता। जब टाइम मिला सुबह शाम थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ, पर मैं वीडियो बनाने के लिए अलग से क्लीन नहीं करती घर को, क्योंकि मेरा घर जैसा दिख रहा है वैसा ही क्लीन हमेशा हर टाइम रहता है। बच्चे भी गंदा नहीं करते, बच्चे भी अपना कुछ कुछ क्लीन करते रहते हैं, अपना रूम क्लीन करना। और माने तो बच्चे मेरे काम बढ़ाते नहीं हैं, बढ़ाते नहीं हैं तो काम बढ़ता भी नहीं है। क्लीन करने में ही मेरा हाथ बटाते हैं, पर कचरा नहीं बढ़ाते हैं मेरे बच्चे। तो मैं कभी बच्चों के रूम का भी वीडियो बनाऊंगी। बच्चे अपने घर अपने रूम को इतना डेकोरेट करके रखते हैं, आप सोचोगे कि ये बच्चों ने सजाया है। तो बच्चों ने रूम अपना बहुत सुंदर सजाया है। थोड़ा मेरे को संडे को टाइम मिलेगा, मैं बच्चों के रूम का वीडियो बनाऊंगी। घर मेरा घर मुझे तो बहुत सुंदर लगता है। आई होप कि आपको मेरा घर पसंद आए, तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे को बताइए कि मेरा घर आपको कैसा लगा। धीरे धीरे करके मैं अपने छोटे छोटे वीडियो बना के वीडियो बढ़ा रही हूँ। मैंने अभी वीडियो बनाने चालू किए हैं, तो अब मैंने ये झाड़ू निकाल दिए। अब मैं अपना अचार डाल के बताऊंगी।
इसमें डाल रही हूँ साल्ट, साल्ट थोड़ा ज़्यादा ही डलता है, राई साल्ट, ये डाल दिया मैंने कलौंजी, थोड़ा डाल दिया हल्दी पाउडर, थोड़ा नमक और डाल देते हैं क्योंकि नमक डालने से अचार ज़्यादा ख़राब नहीं होता। ज़्यादा नमक नहीं, पर रेडीमेड वाला आता है उसमें नमक ज़्यादा होता है, इसमें स्वाद के अनुसार होता है। तो अब डाल रही हूँ मैं हरी मिर्ची, तो ये डाल लिया मैंने अचार और ये मैं कांच की जार में डाल देती हूँ। ये डाल दी मैंने हरी मिर्ची, अब इसमें नींबू भी डाल देती हूँ। हरी मिर्ची में नींबू होते हैं तो उसमें लाल मिर्ची डालने की ज़रूरत नहीं होती। अब इसमें ये यही हरी मिर्ची वाला मसाला ऐड करूँगी। ये मेरा कुछ बचा हुआ मसाला पड़ा है तो थोड़ा ये डाल दूंगी। अब इसको हिला देती हूँ, ये पूरा मिक्स हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा विनेगर डाल देती हूँ, विनेगर से अचार ख़राब नहीं होता। थोड़ा ये बन गया मेरा अचार। तो ये है मेरा सिंपल अच्छा और हेल्दी अचार। बीच बीच में मैंने अपना और भी काम कर लिया और अचार काट कर सुबह ही सुबह डाल दिया। तो ये है मेरा अचार, बनाइए खाइए खिलाइए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। थैंक यू एंड बाय बाय।